नमस्ते फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ जीके, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स लेके आऊँगी, जिससे आप तो स्मार्ट बनोगे ही, साथ ही साथ आपके बच्चों को भी आप स्मार्ट बना पाओगे। बच्चों के सामने आप एक स्मार्ट पेरेंट बन पाओगे, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप स्टूडेंट्स हो तो एक स्मार्ट स्टूडेंट बन पाओगे। क्योंकि ये वीडियो मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो मैं स्टार्टिंग जो है वो जनरल एकदम छोटे साधारण सरल प्रश्नों से स्टार्ट करूंगी। एवरीडे मैंने आप लोगों को बताया कि 10 प्रश्न मैं दूंगी, 10 क्वेश्चंस दूंगी, और उन क्वेश्चंस को आपको देखना है, सुनना है, डिस्कस करना है, और ध्यान से देखिएगा उसको। नेक्स्ट वीडियो में मीन्स अगले दिन फिर उन 10 प्रश्नों को हम रिविजन करेंगे और फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का, मेरे दोस्तों का, सभी का नॉलेज बढ़े, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि स्मार्ट हम नॉलेज से बन सकते हैं, ना ही केवल लुक और रहन सहन, बल्कि हमारा नॉलेज बहुत मायने रखता है। ऐसे बहुत से उदाहरण आपने देखे हैं, और मैं धीरे धीरे समय के साथ बहुत सारे उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत भी करूँगी कि सिर्फ नॉलेज की बदौलत ही, नॉलेज के माध्यम से ही लोग प्रसिद्ध हो सकते हैं, लोगों के सामने इज्जत पा सकते हैं। तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए, एटलीस्ट अपने देश के बारे में, अपने आसपास के बारे में साधारण ज्ञान तो अवश्य रखिए। इसीलिए आशा करती हूँ ये प्रश्न शुरुआत में आपको बोरिंग लगेंगे, मन नहीं लगेगा, लेकिन दोस्तों पूरे दिन में 10 प्रश्न कोई बड़ी बात नहीं है। बैठे बिठाए 2-3 बार आप इसे सुने, आपके दिमाग तक ये घुस जाएगा, और दूसरे दिन फिर हम रिविजन करके आगे 10 प्रश्नों को और सीखेंगे। इस तरह से आप अपने ज्ञान को बढ़ा पाएंगे। दोस्तों बात को या प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी फ़ायदा उठा सके, और मुझे एनर्जी मिले कि मैं मेहनत करके आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकूँ। दोस्तों जो क्विज है वो प्रेजेंट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहती हूँ। मैंने पिछले दिन कहा था कि कई पेरेंट्स, कई अभिभावक जो है वो मेरे पास आते हैं अपने बच्चों की परेशानी को लेकर। विश्वास कीजिए, बच्चों के परेशानी आपके पास बिल्कुल नहीं रह जाएगी। किस तरह के बच्चे, तो बिल्कुल कोमल हैं, छोटे हैं, अगर उनके अंदर कुछ भी अच्छी या बुरी लत लगती है तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम होते हैं। आप दिल से सोच कर देखिए कि अगर बच्चों को कोई भी लत लगती है तो उसके कारण लापरवाही हमारी होती है, हमारी लापरवाही के कारण ही बच्चों में गलत लत आ जाती है। उसे कैसे सुधारेंगे, यह सब, इन सब चीजों पर हम काम करेंगे, पर धीरे धीरे। फिलहाल तो मैं यह कहूंगी कि अभी फिलहाल जो आपके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं मोबाइल से, मेरे डियर पेरेंट्स, बहनों, भाई, जो भी हो आप, जो भी अपने बच्चों का पढ़ने का ध्यान रखते हो आप, तो आप सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, अपने काम को ख़त्म करके 2 घंटे, दिन का 2 घंटा आप अपने बच्चे के साथ दीजिए। मैं मानती हूँ कि अगर आप ज्वाइंट परिवार में हैं तो बहुत सारे आपके काम होंगे, बहुत सारे ड्यूटीज़ होंगे, लेकिन उन सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका बच्चा। जब हम माता पिता बन जाते हैं तो बच्चा हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। तो अपना 2 घंटा देकर आप बच्चे को सही मार्ग पर ला सकते हैं। जब वो ऑनलाइन क्लास करता है तो उनके साथ बैठिए, आप बोर मत होइए, उस वक्त आप अपना हेडफोन लगाकर मोबाइल ही चलाइए, बस उस पर आप नजर रखिए। बच्चे को मोबाइल जरूर दीजिए, लेकिन उसका सही टाइम टेबल बनाइए, हर चीज का एक टाइम टेबल बनाइए। शुरुआत जब बच्चा 2 घंटा क्लास कर लेता है उसे बिल्कुल मोबाइल से अलग करिए। हाँ, अगर वो फिर भी नहीं छोड़ता है, रोता है, तो थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट घड़ी देखकर उसे खेलने दीजिए, बीच में बिल्कुल मत टोकिए, बिल्कुल नहीं। अगर आपने उसे समय दे दिया कि 10 मिनट या 15 मिनट खेल रहे हो तो बिल्कुल ना टोके, और उसके बाद प्यार से बच्चे से मोबाइल वापस ले ले। उसके बाद दिन के बाकी जो टाइम टेबल है उसका आप एक, मैंने पहले भी कहा था, एक टाइम टेबल सेट कीजिए। बच्चे को खुश रखिए, बच्चे के साथ हमेशा प्यार से पेश आइए। झल्लाहट, चिड़चिड़ाहट बच्चे पसंद नहीं करते, प्यार से बोलकर देखिए, बच्चा जरूर सुनेगा। धीरे धीरे सही बच्चा आपका सही डायरेक्शन पे आएगा। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी
कैसे आपको लाना है। ज्यादा बातें नहीं करूंगी, चलिए आज के क्विज जो है, आज के जो 10 प्रश्न है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ। आगे देखिए इन प्रश्नों को, और फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इन प्रश्नों को 2-3 बार डिस्कस करें, ताकि अगले दिन फिर से हम इसे रिविजन करते हुए आगे के 10 प्रश्नों को पढ़ेंगे। विश्वास कीजिए आपकी नॉलेज बढ़ेगी, धीरे धीरे ज़रूर बढ़ेंगे। मैं इंग्लिश के भी कुछ वर्ड्स लेके आया करूँगी जो आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे। अगर आप हाउसवाइफ और आप कोई एग्जाम नहीं पेरेंट हो या किसी तरह की एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको लाभ होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं आज के जनरल नॉलेज के 10 प्रश्न। विश्व रेडियोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोग्राफी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? ए 12th मार्च, बी 8th नवंबर, सी 10th जनवरी और डी 15th अप्रैल। सही उत्तर है ऑप्शन बी 8th नवंबर। प्रश्न 2, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? Which player of Pakistan has broken the record of Virat Kohli in T20 international cricket and has made the record of making 2500 runs in the lowest innings? Option A, Shahin Afridi. Option B, Asif Ali. Option C, Babar Azam. Option D, Shadab Khan. सही उत्तर है ऑप्शन सी बाबर आजम। प्रश्न 3, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन इज फाउंड इन लेमन एंड ऑरेंज। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी और ऑप्शन डी विटामिन ए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सही उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन सी। चौथा नंबर प्रश्न, रेड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क दुनिया का सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज द वर्ल्ड्स नंबर ए सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, ऑप्शन बी सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, ऑप्शन सी सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह एक सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। देख ले प्रश्न क्या है, ये रेंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क यह दुनिया का एक सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। पांचवा नंबर प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी अमेज़न नदी और ऑप्शन डी यांगत्ज़े नदी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी नील नदी। नील रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। नाउ प्रश्न 6, भारत का संविधान कब लागू हुआ? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1947 और ऑप्शन डी 15 अगस्त 1950। सही उत्तर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? हु वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ टू रीच द मून? हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द मून? ऑप्शन ए एलन बीन, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग,
ऑप्शन सी बज एल्ड्रिन और ऑप्शन डी पेटे कॉनराड। द करेक्ट आंसर इज नील आर्मस्ट्रांग। सही उत्तर है नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी टेबल टेनिस और ऑप्शन डी हॉकी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सही उत्तर है ऑप्शन डी हॉकी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला अखबार कौन सा है? विच इज द फर्स्ट न्यूज पेपर ऑफ इंडिया? द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बंगाल गजट, द हिंदू और ऑप्शन डी नव भारत टाइम्स। सही उत्तर है द बंगाल गजट, ऑप्शन बी। सही उत्तर है ऑप्शन बी द बंगाल गजट। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? हु इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी वीके जानकी रामचंद्रन और ऑप्शन डी शीला दीक्षित। सही उत्तर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी।